एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज किस वीडियो का टॉपिक है वह सेंटर टीईटी से संबंधित है। जैसा कि आपको जानकारी है कि सेंटर टीईटी में दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं, पहला 1 से 5 के लेकर और दूसरा 6 से 8 के लिए। तो इस दोनों परीक्षाओं में 30 प्रश्न जो है साइकोलॉजी यानी बाल विकास से पूछे जाते हैं। तो हम आज इस वीडियो में बाल विकास के 30 प्रश्न लाए हैं जो किसी न किसी स्टेट में या कभी सेंटर टीईटी में प्रश्न पूछे गए हैं। यह सभी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इस साल के परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो बिना समय गंवाए हम सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं, जिससे कि आपका समय की बर्बादी न हो। बात एक और कि अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को 2 बार अवश्य सुनिए, जिससे कि आसानी से और पूर्णतः यह टॉपिक तैयार हो जाए। तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। और पहला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, ध्यान दीजिएगा, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। किसके द्वारा पहचान की गई है? पहला हिलगार्ड के द्वारा, दूसरा स्टाउट द्वारा, तीसरा हॉरलॉक द्वारा और चौथा बियाजे द्वारा। तो जानते ही हैं कि ये चारों संवेदी जो है संक्रियात्मक पहचान किसने किया था, तो यह जो है पियाजे ने किया था। 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, VVI है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे स्वस्थ मानसिक के नहीं हैं? पहला नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, ध्यानपूर्वक सुनिए, नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता। बी आत्मविश्वास एवं सहनशीलता। सी बहुत विनित स्वयं में सीमित। और डी वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्व मूल्यांकन की योग्यता। क्वेश्चन सुन लीजिए, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, मतलब कि अच्छे स्वास्थ्य के मानसिक के नहीं होना चाहिए। तो इसमें है कि नियमित जीवन संवेगात्मक परिपक्वता, बी आत्मविश्वास सहनशीलता है, भी सही है, और सी बहुत विनित स्वयं में सीमित। यही जो है उत्तर जो है गलत है, यह अच्छे मानसिक विकास के लिए सही नहीं है। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? पहला है अनुवांशिकता, दूसरा है वातावरण, तीसरा है प्रशिक्षण और तीसरा है अगला है राष्ट्रीयता। इसका सही जवाब है राष्ट्रीयता, यानी कि अधिगम क्षमता राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती। इस प्रकार है कि किस अधिगम, ध्यान दीजिएगा, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार के महत्व को नहीं दिया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2013 में पूछा भी जा चुका है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बार बार समस्या आ जाती है, थोड़ा स्पष्ट नहीं था इसीलिए से समस्या आ रही है कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार के महत्व को नहीं माना है। सही जवाब चुनना है इसमें से, पहला है थर्नडाइक, दूसरा है पावलोव, तीसरा है स्किनर और चौथा है गुथरी। इसका सही जवाब है गुथरी। गुथरी जो है मनोवैज्ञानिक है, यह पुरस्कार के महत्व को जो है अधिगम में सही नहीं मानते थे। अगला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? पहला है जीन पियाजे का, दूसरा है वुडवर्थ का, तीसरा है वैलेंटाइन का और चौथा है रॉस का। क्वेश्चन सुन लीजिए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो सही जवाब है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? पहला छात्रों की प्रगति का आकलन, दूसरा कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, तीसरा कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और चौथा ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका सही जवाब होगा छात्रों की प्रगति का आकलन, यानी कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है
छात्रों के प्रगति का आकलन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, माँ बाप के साय में बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। क्वेश्चन एक बार सुन लीजिए, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। पहला किशोरावस्था से, दूसरा पूर्व बाल्यावस्था से, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था से और चौथा शिशुअवस्था से। सही जवाब है उत्तर बाल्यावस्था से, यानी कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करता है, यह संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था से। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्रारंभिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। सीखने का प्रारंभिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। पहला अभ्यास कार्य से, बी परिणाम की अपेक्षा से, सी प्रशंसा से और डी तत्परता से। सही जवाब है डी तत्परता से, यानी कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित है, यानी कि मूलभूत जो है तत्पर। प्रश्न संख्या 9, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। प्रश्न एक बार पुनः सुन लीजिए, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। चार ऑप्शन इस प्रकार है, ए किशोरावस्था से, बी प्रौढ़ावस्था से, सी पूर्व बाल्यावस्था से और डी उत्तर बाल्यावस्था से। और इसका सही जवाब है बी प्रौढ़ावस्था से। क्वेश्चन के साथ पढ़ देते हैं कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, तो वह है प्रौढ़ावस्था से। 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि सीखने के प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन है। पहला है अनुकरण, दूसरा है प्रशंसा एवं निंदा, तीसरा है प्रतियोगिता और चौथा है ये सभी। और इसका सही जवाब है ये सभी, यानी कि सीखने की प्रक्रिया को अनुकरण भी प्रभावित करता है, प्रशंसा निंदा भी प्रभावित करता है और प्रतियोगिता भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों को सीखने में, ध्यान दीजिएगा, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। पहला बालक की व्यक्तिता का आदर करना, दूसरा पुरस्कार एवं दंड, तीसरा प्रशंसा एवं भर्त्सना और चौथा उपयुक्त सभी। और इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी। एक बार प्रश्न के साथ कि बालकों को सीखने में प्रेरणा किस प्रकार से उपयोगी माना जाता है, तो उसमें बालक की व्यक्तिगत आदत भी है, पुरस्कार एवं दंड भी है, प्रशंसा एवं भर्त्सना भी है। इस प्रकार ये तीनों प्रश्न जो है सही है, उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसी एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। मतलब कि किससे जो है ऑप्शन में जो दिया हुआ है उससे कृषि को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है। पहला है अनुकरण, दूसरा है अभिप्रेरण, तीसरा है स्कूल का अवस्था और चौथा है पुरस्कार। तो इनमें से सही जवाब है स्कूल का अवस्था। एक बार आंसर के साथ, क्वेश्चन के साथ कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु को अधिगम में सहायता नहीं मिलती है, तो अनुकरण से भी मिलती है, अभिप्रेरणा से भी मिलती है, पुरस्कार से भी मिलती है, लेकिन स्कूल के अवस्था से अधिगम में प्रेरणा नहीं मिलती है। कैसा भी अवस्था हो उससे अधिगम कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक के। पहला जन्म से 2 वर्ष तक, दूसरा 3 से 6 वर्ष तक, तीसरा 7 वर्ष किशोरावस्था, चौथा कोई नहीं। सही जवाब है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन के साथ स्वकेंद्रित अवस्था होती है और सही जवाब है जन्म से 2 वर्ष। प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है। पहला खेल, दूसरा बाल साहित्य, तीसरा दिनचर्या और चौथा संचार माध्यम। और इसका सही जवाब है खेल। एक बार प्रश्न के साथ कि बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का सबसे विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से, क्वेश्चन सुन लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। किसके परीक्षण हेतु भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ए व्यक्तित्व, बी बुद्धि, सी सृजनात्मकता और डी अभिवृद्धि। और सही जवाब है बुद्धि, यानी कि बुद्धि को मापने के लिए भाटिया बैटरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोहक
ध्यान दीजिएगा, कुल वर्ग का विकास सिद्धांत, कुल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए भाषा विकास से, बी संज्ञानात्मक विकास से, सी नैतिक विकास से, और डी जो है, एक बार पुनः सुन लीजिए कि कुल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला भाषा विकास से, दूसरा संज्ञानात्मक विकास से, तीसरा नैतिक विकास से, और चौथा सामाजिक विकास से। और इसका सही जवाब है नैतिक विकास से। एक पर प्रश्न के साथ कि कुल वर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो कुल वर्ग का विकास सिद्धांत जो है नैतिक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न जो है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? पहला है विद्यार्थियों की सक्रिय एवं सहभागिता, दूसरा है अनुशासन एवं नियमित उपस्थिति, तीसरा है गृह कार्य की जांच में लगन, और चौथा है विषय वस्तु की कठिनाई स्तर। और सही जवाब है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। एक पर प्रश्न के साथ कि शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, तो सही जवाब है विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। अगला प्रश्न है 18 नंबर पर कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। बी अपनी कक्षा में कछुनति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। और डी विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। तो सही जवाब है डी राकेश। ध्यान दीजिए एक बार प्रश्न के साथ कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है, और इसका सही जवाब है विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। अगला है 19 नंबर, पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति कठोर होंगे? ए समस्या, बी जीवन शैली, सी संपत्ति और डी वास्तविकता। और सही जवाब है जीवन शैली। एक पर प्रश्न के साथ कि पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपने जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। अगला क्वेश्चन 20, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को, क्वेश्चन सुन लीजिए, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक जानना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? ए विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश करना चाहिए, बी कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखना चाहिए, और सी विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित होना चाहिए। और सही जवाब है सी विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना चाहिए। एक बार क्वेश्चन के साथ कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी के प्रवृत्ति को यदि शिक्षक जानना चाहता है तो उसे विद्यार्थी सहित उत्तर एक साथ पुनः सुन लीजिए कि अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि, एक बार रिपीट करते हैं, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक जानना चाहता है तो उसे विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। अगला प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन से किसका है? विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का है, तो सही जवाब है परिवर्तन से, प्रतिक्रिया से, प्रयास से और परिणाम से। क्वेश्चन सुनिए, विकास का संबंध परिपक्वता से है उसी प्रकार उद्दीपन का संबंध किससे है? तो सही जवाब है प्रतिक्रिया से। भी सही जवाब होगा, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध जो है प्रतिक्रिया से है। अगला प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? यानी कि पियाजे जो है किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ए भाषा विकास, बी ज्ञानात्मक विकास, सी नैतिक विकास और डी सामाजिक विकास। तो पियाजे का जो सिद्धांत है वह किस पर है? ज्ञानात्मक विकास है। एक बार प्रश्न के साथ उत्तर कि पियाजे मुख्यतः ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन किसका है? क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा है, कि जब कभी दो या अधिक व्यक्ति
जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन किसका है? ए आंशिक रूप से सत्य है, बी सत्य है, सी कदाचित सत्य है और डी असत्य है। यह तो कथन जो है कहे पूतः जो है सत्य है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? पहला औसत बुद्धि के बच्चे, बी ग्रामीण बच्चे, सी अध्ययनशील बच्चे और डी कुशाग्र बुद्धि बच्चे। सही जवाब है कुशाग्र बुद्धि बच्चे। एक बार प्रश्न के साथ आंसर कि निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? सही जवाब है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को समायोजन संबंधी समस्या होती है। अगला प्रश्न है, एक बार सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिशु अवस्था के बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं कैसे? मूल प्रवृत्तियात्मक, बी संरक्षित, सी संज्ञानात्मक, डी संवेगात्मक। सही जवाब है मूल प्रवृत्तियात्मक, मतलब शिशु अवस्था के क्रियाकलाप मूल प्रवृत्तियात्मक। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें अस्थिरता आ गई है, शिक्षक इसे क्या समझ सकते हैं? क्वेश्चन सुन लीजिए, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना चाहिए? पहला सीखने की प्रक्रिया को स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, बी विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। और सही जवाब है कि विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। एक बार प्रश्न के साथ आंसर कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को जो है विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। 26 नंबर प्रश्न है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? पहला सुन लीजिए, अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना और डी अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। और इसका सही जवाब है शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। प्रश्न के साथ उत्तर सुन लीजिए कि कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका सही जवाब है कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अगला प्रश्न है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? इसका सही जवाब एक बार में सुन लीजिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के लिए। इसमें एक बार ही आंसर बता दीजिए, एक बार प्रश्न के साथ आंसर सुन लीजिए कि जिन विद्यार्थियों में समेकित शिक्षा दी जाती है, ध्यान दीजिएगा, जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? तो सही जवाब है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचान जो है करना चाहिए। और 29 नंबर क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु तो किस युक्ति का अनुपयोग आप नहीं करते हैं? और इसका सही जवाब है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, ये गलत है। सुन लीजिए क्वेश्चन एक बार, रिपीट करते हैं आपको क्वेश्चन एक बार पुनः सुन लीजिए कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु, रिपीट करते हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हैं तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? इसमें नहीं करने वाला सिलेक्शन करना है तो पहला है छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ये तो हम करेंगे ही, ये अच्छा है। बी है उनमें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी अच्छा है, ये भी हम करेंगे, लेकिन कह रहे हैं क्या आप नहीं करेंगे। तीसरा है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, तो जी हाँ ये हम काम जो है नहीं करेंगे, यही इसमें सही इसका आंसर होगा। एक बार प्रश्न के साथ उत्तर कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए
प्रेरित करने हैं तो किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करेंगे, तो हम जो है उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करेंगे। इसके अलावा 30 नंबर एवं अंतिम प्रश्न है, ये भी परीक्षा में पूछा गया है कि बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है, ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य और डी ये सभी। और इसका सही जवाब है धनात्मक। एक पर प्रश्न के साथ आंसर, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, तो सही जवाब है धनात्मक। तो इसी के साथ ये आज का जो है सीटेट के बाल मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न जो समाप्त हो रहा है। और भी आप सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं या बीएड एमएड डीएलएड से संबंधित जानकारी चाह रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप एजुकेशन से संबंधित, नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ए बी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज ए बी जानकारी एवं टेलीग्राम पर एलईटी जानकारी को फॉलोअप करें। साथ ही ट्विटर पर भी ए बी जानकारी से आप शिक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नई नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समापन कर रहे हैं और अगले दिन हम जो है सीटेट के पुराने प्रश्नों के उत्तर, साथ में अन्य स्टेट में जो है बाल विकास से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे कि आपको परीक्षा आते आते सभी प्रश्नों का रिवीजन हो सके। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है लगभग सभी स्टेटों में बाल विकास से संबंधित पूछे गए प्रश्नों का हल एक बार जरूर पढ़ लें, जिससे कि आपके कुछ न कुछ प्रश्न चाहे 10 प्रश्न जो है अवश्य आपके मिल जाएंगे। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो है अच्छे अंक से सीटेट पास कर जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समापन कर रहे हैं, ऐसी शुभकामना कर लेकर के इस साल आप जो है सीटेट की परीक्षा में अवश्य रूप से पास होंगे। जय हिंद।